अर्थालंकारों का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अर्थों का अलंकरण अर्थालंकार कहा जाता है। उसके बिना शब्द सौंदर्य भी मन को आकर्षित नहीं करता है। अर्थालंकार से हीन सरस्वती विधवा के समान शोभाहीन है। अर्थालंकार के आठ भेद माने गए हैं, स्वरूप, सादृश्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु और सम। पदार्थों के स्वभाव को स्वरूप कहते हैं। उसके दो भेद बतलाए गए हैं, निज एवं आगंतुक। सांसिद्धिक को निज तथा नैमित्तिक को आगंतुक कहा जाता है। धर्म की समानता को सादृश्य कहते हैं, वो भी उपमा रूपक सहोक्ति तथा अर्थांतर न्यास के भेद से चार प्रकार का होता है, जिसमें भेद और सामान्य धर्म के साथ उपमान एवं उपमेय की सत्ता हो उसे उपमा कहते हैं। क्योंकि यत्किंचित दविविक्षित सारूप्य का आश्रय लेकर ही लोक यात्रा प्रवर्तित होती है। प्रतियोगी उपमान के समस्त और असमस्त होने से उपमा दो प्रकार की मानी गई है, ससमासा एवं असमासा। घ, इव, श्याम इत्यादि पदों में समास के कारण वाचक शब्द के लुप्त होने से ससमासा उपमा कही गई है। इससे भिन्न प्रकार की उपमा असमासा है, कहीं उपमादुतक इवादि पद, कहीं उपमेय और कहीं दोनों के विरह से ससमासा उपमा के तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार असमासा उपमा के भी तीन भेद हैं। विशेषण से युक्त होने पर उपमा के 18 भेद होते हैं, जिसमें साधारण धर्म का कथन या ज्ञान होता है। उपमा के उस भेद विशेष को धर्म या वस्तु की प्रधानता के कारण धर्मोपमा एवं वस्तुपमा कहा जाता है, जिसमें उपमान और उपमेय की प्रसिद्धि के अनुसार परस्पर तुल्य उपमा दी जाती है वो परस्परोपमा होती है। प्रसिद्धि के विपरीत उपमान और उपमेय की विषमता में जब उपमा दी जाती है तब वो विपरीतोपमा कहलाती है। उपमा जहाँ एक वस्तु से ही उपमा देकर अन्य उपमानों का व्यापर्तन निराकरण किया जाता है वहाँ नियमोपमा होती है। यदि उपमेय के गुणादि धर्म की अन्य उपमानों में भी अनुवृत्ति हो तो उसे अनियमोपमा कहते हैं। एक से भिन्न धर्मों के बाहुल्य का कीर्तन होने से समुच्चयोपमा होती है। जहाँ अनेक धर्मों की समानता होने पर भी उपमान से उपमेय की विलक्षणता विवक्षित हो और इसके कारण जो अतिरिक्त तत्व का कथन होता है उसे व्यक्तिरेकोपमा कहते हैं। जहाँ बहुसंख्यक सदृश उपमानों द्वारा उपमा दी जाए उसे बहुपमा माना गया है। यदि उनमें से प्रत्येक उपमान भिन्न भिन्न साधारण धर्मों से युक्त हो तो उसे मालोपमा कहा जाता है। उपमेय को उपमान का विकार बतलाकर तुलना की जाए तो विक्रियोपमा होती है। यदि कवि उपमान में किसी ऐसे वैशिष्ट का जो तीनों लोकों में असंभव हो आरोप करके उसके द्वारा उपमा देता है तो वो अद्युतोपमा कही जाती है। उपमान को आरोपित करके उसके अभिन्न रूप से जो उपमेय का कीर्तन होता है और उससे जो भ्रम होने का वर्णन किया जाता है उसे मोहोपमा कहा जाता है। दो धर्मियों में से किसी एक का यथार्थ निश्चय न होने से संशयोपमा तथा पहले संशय होकर फिर निश्चय होने से निश्चयोपमा होती है। जहाँ वाक्यार्थ को उपमान बनाकर उससे ही वाक्यार्थ की उपमा दी जाए उसको व्याकार्थोपमा कहते हैं। ये उपमा अपने उपमान की दृष्टि से दो प्रकार की होती है, साधारणी और अतिशायनी। जो एक का उपमेय है वही दूसरे का उपमान हो अर्थात दोनों एक दूसरे के उपमान उपमेय कहे गए हों तो उसे अन्योनोपमा कहते हैं। इस प्रकार यदि उत्तरोत्तर क्रम चलता जाए तो उसको गमनोपमा कहा जाता है। इसके सिवा उपमा के और भी पांच भेद होते हैं, प्रशस्त, निंदा, कल्पिता, सदृशी एवं किंचित सदृशी। गुणों की समानता देखकर उपमेय का जो तत्व उपमान से रूपित अभेदन प्रतिपादित होता है उसे रूपक मानते हैं, अथवा भेद के तिरोहित होने पर उपमा ही रूपक हो जाती है। तुल्य धर्म से युक्त दो पदार्थों का एक साथ रहने का वर्णन सहोक्ति कहा जाता है। पूर्व वर्णित वस्तु के समर्थन के लिए साधर्म अथवा वैधर्म से जो अर्थांतर का उपन्यास किया जाता है उसे अर्थांतर न्यास कहते हैं, जिसमें चेतन या अचेतन पदार्थ की अन्यथा स्थित परिस्थिति को
दूसरी तरह से माना जाता है उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। लोक सीमातीत वस्तु धर्म का कीर्तन अतिशयालंकार कहलाता है। ये संभव और असंभव के भेद से दो प्रकार का माना जाता है, जिसमें वैशिष्ट्य दर्शन के लिए गुण जाति एवं क्रियादि की विकलता का प्रदर्शन अनपेक्षता का प्रकाशन हो उसको विशेषोक्ति कहा जाता है, जिसमें प्रसिद्ध हेतु की व्यावृत्ति पूर्वक अर्थात उसका अभाव दिखाते हुए अन्य किसी कारण की उद्भावना की जाए अथवा स्वाभाविकता स्वीकार की जाए अर्थात बिना किसी कारण के स्वाभाविक रूप से कार्य की उत्पत्ति मानी जाए उसे विभावना कहते हैं। परस्पर असंगत पदार्थों का जहाँ युक्ति के द्वारा विरोध पूर्वक संगतीकरण किया जाए वो विरोधालंकार होता है। जिसकी सिद्धि अभिलक्षित हो ऐसे अर्थ का साधक हेतु अलंकार कहलाता है। उस हेतु अलंकार के भी कारक एवं ज्ञापक ये दो भेद हो जाते हैं। इनमें कारक हेतु कार्य जन्म के पूर्व में और पश्चात भी रहने वाला है जो पूर्वशेष कहा जाता है, और उन्हीं भेद कार्य में कार्य कारण भाव से अथवा किसी नियामक स्वभाव से या अविनाभाव के दर्शन से जो अविनाभाव का नियम होता है वो ज्ञापक हेतु का भेद है। नदीपुर आदि का दर्शन ज्ञापक का उदाहरण है। शब्दार्थो भयालंकार। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, शब्दार्थ अलंकार शब्द और अर्थ दोनों को समान रूप से अलंकृत करता है। जैसे एक ही अंग में धारण किया हुआ हार कामिनी के कंठ एवं कुछ मंडल की कांति को बढ़ा देता है, शब्दार्थ अलंकार के 6 भेद काव्य उपलब्ध होते हैं। प्रशस्ति, कांति, औचित्य, संक्षेप या वर्धता तथा अभिव्यक्ति। दूसरों के मर्मस्थल को द्रवीभूत करने वाले वाक कौशल को प्रशस्ति कहते हैं। वो प्रशस्ति प्रेमोक्ति एवं स्तुति के भेद से दो प्रकार की मानी गई है। प्रेमोक्ति और स्तुति के पर्यायवाचक शब्द क्रमशः प्रयोक्ति एवं गुण कीर्तन है। वाच्य वाचक की सर्वसम्मत एवं रुचिकर संगति को कांति कहते हैं। यदि ओज एवं माधुर्य युक्त संदर्भ में वस्तु के अनुसार रीति एवं वृत्ति के अनुसार रस का प्रयोग हो तो औचित्य का प्रादुर्भाव होता है। अल्पसंख्यक शब्दों से अर्थ बाहुल्य का संग्रह संक्षेप तथा शब्द एवं वस्तु का अन्यूनाधिक यावदर्था कहा जाता है। अर्थ प्राकट्य को अभिव्यक्त करते हुए उसके दो भेद हैं, श्रुति और आक्षेप। शब्द के द्वारा अपने अर्थ का उद्घाटन श्रुति कहा जाता है। श्रुति के दो भेद हैं, नैमित्तिकी और पारिभाषिकी। संकेत की परिभाषा कहते हैं, परिभाषा के संबंध में वो परिभाषिकी है। पारिभाषिकी को मुख्या और नैमित्तिकी को औपचारिकी कहते हैं। ये ही क्रमशः अभिधा और लक्षणा है। उस औपचारिके के भी दो भेद हैं, जिसके द्वारा अभिधेय अर्थ से स्खलित हुआ शब्द किसी निमित्तवश अमुख्य अर्थ का बोधक होता है वो वृत्ति औपचारिकी है। ये ही दोनों भेद नैमित्तिकी के भी गुण होते हैं। वो लक्षणायोग से लाक्षणिकी और गुण योग से गौणी कहलाती है। अभिधेय अर्थ के साथ संबद्ध रहकर जो अन्यार्थ की प्रतीति होती है उसको लक्षणा कहते हैं। अभिधेय के साथ संबंध सामिप्य समवाय वैपरीत्य एवं क्रियायोग से लक्षणा 5 प्रकार की मानी जाती है। गुणों की अनंतता होने से उसकी विवक्षा के कारण गौणी के अनंत भेद हो जाते हैं। लोक सीमा के पालन में तत्पर कवि द्वारा जब अप्रस्तुत वस्तु के धर्म प्रस्तुत वस्तु पर सम्यक रूप से आहित आरोपित किए जाते हैं तब उसे समाधि कहते हैं। जिसके द्वारा श्रुति से अनुपलब्ध अर्थ चैतन्य युक्त होकर भाषित होता है वो आक्षेप कहा जाता है। इसको ध्वनि भी माना गया है क्योंकि वो ध्वनि से ही व्यक्त होता है। इसमें ध्वनि के आश्रय से शब्द और अर्थ के द्वारा स्वतः संकलित अर्थ ही व्यंजित होता है। अभिष्ट कथन का विशेष विवक्षा से अर्थात उसमें और भी उत्कर्ष की प्रतीति कराने के लिए जो प्रतिषेध सा होता है उसको आक्षेप कहते हैं। अधिकार प्रकरण से पृथक अर्थात अप्रकृत या अप्रस्तुत अन्य वस्तु की जो स्तुति की जाती है उसे अस्तुतस्त्रोत्र अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। जहाँ किसी एक वस्तु के कहने पर उसके समान विशेषण वाले दूसरे अर्थ की प्रतीति हो उसे विद्वान पुरुष अर्थ की संक्षिप्तता के कारण समासोक्ति कहते हैं। वास्तविक पदार्थ का अपलाप या निषेध करके किसी अन्य पदार्थ को सूचित करना अपहर्ति है। जो अभिधेय
दूसरे प्रकार से कहा जाता है, अर्थात सीधे न कहकर प्रकारांतर से घुमा फिराकर प्रस्तुत किया जाता है, उसको पर्यायोक्ति कहते हैं। इनमें भी किसी भी एक का नाम ध्वनि है।